आज मेरे एक असाइनमेंट मिली है जो हमारे कैंप से तकरीबन 350 किलोमीटर पर एक साइड है, वहाँ से कुछ मटेरियल लेके आना है जो टेक्निकल मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, और उस मटेरियल को लेने के लिए मैंने अपने सफ़र का आगाज कर दिया है। और अभी कड़ी 350 किलोमीटर पर साइड है और यहाँ से मैं रियाद जाऊँगा और इंशाल्लाह रियाद में दोबारा रिफ्यूलिंग करूँगा अपनी गाड़ी की, और उसके बाद फिर रियाद से आगे तकरीबन 100 किलोमीटर का, वो 100 से ज़्यादा है, 102 या 103-104 के करीब है, तो वहाँ पर वो साइट मौजूद है, वहाँ पर मैं ओवर नाइट स्टे करूँगा और फिर अगले दिन वहाँ से जर्नी स्टार्ट करूँगा और मटीरियल के साथ वापस एक और साइट पर जाना है, तो वहाँ से फिर मैं वापस आऊँगा। तो आपको रियाद के अंदर भी थोड़ा वीडियो दिखाएंगे, और ये जो एरिया है ये तो तकरीबन डेजर्ट है। और एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब भी आप किसी लॉन्ग जर्नी पर जाते हैं या 3-4 घंटे का आपका सफ़र है, तो लाजमी ये कर लिया करें कि अपनी गाड़ी का जो फ्यूल है उसको फुल कर लें, और उसके साथ साथ खाने पीने की चीज़ें भी साथ रख लें, जिसमें पानी सबसे पहले है। पानी इतना होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, किसी जगह पर ठहरना पड़ जाए, स्पेशली जो है अरब कंट्रीज़ में यहाँ पर गर्मी काफ़ी पड़ती है, तो आपके पास पानी इनफ होना चाहिए। और उसके साथ साथ खाने के लिए आप लाइट चीज़ें जो होती हैं उनको रख सकते हैं, और यहाँ पर अरब कंट्री में तो ये भी रिवाज है कि हर वक्त जो है कावा या चाय, जिसको चाय बोलते हैं, वो भी ये साथ रखते हैं और छोटे कपों में पीते हैं, यानी कि हम एक बड़ा मग जब पियेंगे तो उसके अंदर में अगर ये छोटे कप डाले जाए तो हो सकता है ये 4 से 5 हो सकते हैं, इसलिए ये थोड़े थोड़े वक्फे के बाद छोटे कपड़ों के अंदर ये चाय और गावा को पीते हैं। अभी मैंने अपने कैंप का सिक्योरिटी गेट जो है उसको, वहाँ से मैं बाहर निकल आया हूँ, और इसके साथ ही मैंने ये क्या किया कि अपने मोबाइल को ब्लूटूथ के साथ अपनी गाड़ी के जो मेरा मीडिया प्लेयर है उसके साथ मैंने कनेक्ट कर लिए। उसका ये फ़ायदा मुझे रहेगा कि दौरान सफ़र अगर मुझे कोई कॉल आती है तो मुझे मोबाइल जो है उसको उठा के सुनने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं जो मल्टीमीडिया के ऊपर कॉल पिकअप का बटन है उसी को दबाऊंगा तो उसके दौरान ही मैं उस कॉल का जवाब दे सकता हूँ। क्योंकि उसका यह है कि गाड़ी के अंदर यहाँ पर माइक सिस्टम है और जो नॉर्मल गाड़ी के स्पीकर हैं उनके अंदर ही आवाज़ आ जाती है, ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ये पिछले 2-3 साल से आम मल्टीमीडिया जो अच्छी गाड़ियों के अंदर लगे हुए हैं के साथ ये सिस्टम आ रहा है। अभी हम देखें तो साइडों पे हमें पहाड़ नज़र आएंगे और पहाड़ों के साथ साथ ये रोड चल रहा है। ये पहाड़ सारे कच्चे हैं, मतलब पक्के पहाड़ नहीं है, पत्थर वाले कच्चे पहाड़ हैं, और ये जो एंट्रिंग सामने नज़र आ रही है ये एक्चुअली अब जब रियाज से आते हैं तो ये होता कि एंट्रिंग के ऊपर उन्होंने ये किला नुमा थोड़ा सा डिज़ाइन दे के बनाया, बहुत ही खूबसूरत लगता है, रात को लाइटिंग बड़ी अच्छी होती है यहाँ पर। ये होता बनी तमीम से ये रोड बना है, नया रोड बना है और बहुत ही खूबसूरत रोड बनाया गया है, और ये अभी खरज से जाने से रोकता है, और खरज सिटी से पहले सबको जो जिसने भी रियाद जाना था वो पहले खरज सिटी में जाते थे, लेकिन जब से ये नया रोड बना तो ये खरज सिटी को बाईपास कर देता है, और बहुत ही ज़बरदस्त रोड है और अच्छे ट्रैक बने हुए हैं इसके अंदर, और ये यहाँ से तक 100 किलोमीटर अगर आप तय करते हैं तो आप रियाद को टच कर लेते हैं, यानी कि रियाद का जो उसकी चेक पॉइंट है उसके पास आप पहुँच जाते हैं। इस पर काम अभी भी जारी है, अगर आप राइट पर देखेंगे तो ये देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, काम अभी भी जारी है यहाँ पर, फ्यूचर में ये बहुत ही खूबसूरत जगह बनाने वाले हैं। हाँ, जब आप टर्निंग ले रहे हो तो कोशिश करें कि गाड़ी को जितना भी स्लो स्पीड में कर सकते हैं करें, क्योंकि हर टर्निंग जो होती है किसी ब्रिज के ऊपर जाने के लिए उसकी एक खास स्पीड होती है, जो 440 की स्पीड से बनी हुई है या 35 पे बनी हुई है या 60 पे बनी हुई है। मैंने उसको 0 कर लिया, इंशाल्लाह यहाँ से 1 घंटा लगेगा, अभी मेरे पास जो टाइम है वो
तीस मिनट हुए, दो बज के 30 मिनट पर रिक्शा लगा रहे आप पे अंदर चले गए। अभी हम इस रोड की उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर ये जो पहाड़ है उनको काटने में तकरीबन 7-8 मिनट जो महीने लगे हैं, और उसके बाद ये रास्ता बना है। क्योंकि हम लोग जब ये रोड पीछे से तो सारा बन गया था, लेकिन ये जो एरिया था यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों साइडों पर पहाड़ हैं, तो इस एरिया को उन्होंने ऐसा ऐसा ये पहाड़ों को काट के दरमियान में से ये रास्ता निकाला। तो इसके लिए फिर हम क्या करते थे, नीचे पहाड़ों से बैक पे उतरते थे, वो कच्चा रास्ता था और तमाम पहाड़ों को बाईपास करते थे। क्योंकि जो ये जो पहाड़ी सिलसिला है ये थोड़ा सा कम होगा तो आप देखेंगे कि फिर वहाँ पर अभी मस्जिद भी एक बनाई हुई है, कंटेनर रखा हुआ है, और उसके अलावा पहले होटल भी छोटा सा था जिसे दाबा बोलते हैं, या जो हमारे कंट्रीज में होता है छोटा सा होटल चाय वगैरह का। तो उसके बाद जब ये टोटल कट गया तो फिर ये रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया, और यही इस रास्ते के अंदर सबसे बड़ी मुश्किल थी, ये जो पीछे पहाड़ आया और ये देखिए ये भी बहुत बड़ा पहाड़ था जिसको उन्होंने काटा है। अभी देखिए यूँ ही ये सिलसिला ख़त्म होने वाला है ये जो पहाड़ों का, जो तो उसके साथ ये आगे मैंने जो बताया था एक मस्जिद है आपके लेफ्ट के ऊपर, और यहाँ से फिर हम निकलते थे नीचे वादी से आते थे और यहाँ से निकल के वापस आ जाते थे। गंदा नाला वगैरह जा रहा है जहाँ से रियात का पानी, और नीचे ये खजूरों का बाग वगैरह भी है, और ये ब्रिज बड़ी हाइट पे है और इसको जदीद मशीनों के जरिए बनाया गया है। मैंने इसको खुद देखा है बनाते हुए, जब ये ब्रिज बना तो बहुत ही जदीद मशीनों के जरिए इसको बनाया गया था। तो यही वो मेन जगह थी जहाँ से रियात सेपरेट हो रहा था, तो इस ब्रिज को बनाने में भी काफी टाइम लग गया। जगह को बोलते हैं हाई रोड। अभी देखते हैं यहाँ पर बोर्ड के ऊपर कुछ चीजें लिखी होंगी, वो तब बनी थी के लिए वो कहता है वापस जाएं अल हायर सीधा है, रियाद सीधा है। और इसके साथ ही पीछे कैमरे का इशारा भी आया है कि आगे कैमरा है इसलिए अपनी स्पीड को कंट्रोल करें। ये देखिए दोबारा उसने कैमरे का बोर्ड दे दिया। ये रास्ते में आपने देखा था एक सऊदी अपोजिट आ रहा था, और अपोजिट आने के बहुत नुकसान आते हैं। ये अभी रियाद के अंदर हम दाखिल हो गए, शिफा का ये एरिया है, आपको दोनों साइड पे आबादी नजर आनी शुरू हो गई है। और ये रोड सीधा बत्ता के अंदर जाता है, हायर का ये रोड, इसकी खूबसूरती ये है कि सीधा बत्ता के अंदर जाता है। यहाँ पर भी कैमरा नजर आ रहा है, देखा जाए तो ये देखिए जो पानी की टैंकी है इनके ऊपर भी फिर छत बना दी गई है ताकि उनको शेड दिया गया, क्योंकि इसकी वजह ये कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पोल्यूशन और ये वो गाड़ियों और एसी की वजह से, और फिर ये कि इस एरिया का टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, और ये देखिए ताकि पानी थोड़ा ठंडा रहे इस्तेमाल के काबिल रहे। रियाद का जो ब्रिज है यहाँ पर ये एग्जिट 19 कहलाता है, इसके आप लेफ्ट में देखें तो ये आपको सीमेंट फैक्ट्री नज़र आती है, ये बहुत पुरानी है, पहले ये शहर के बाहर होती थी, अभी ये शहर के वस्त में है। और ये इसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है, चोटी पे ऊपर नीचे पहाड़ी पे थोड़ा सा बैठने के लिए जगह भी बनाई हुई है। अभी सीमेंट फैक्ट्री को देखते हैं, एक दमाम रोड बन रहा है, एक खरज रोड बन रहा है, और एक कसीम मदीना मुनव्वरा रोड है। हम लोग दमाम रोड को फॉलो करेंगे जो कि सेंटर की तरफ है। मोस्ट लेफ्ट जाना पड़ेगा, उसके बाहर निकलना पड़ेगा। ये हम दमाम रोड पे चढ़